कुछ बिक गया है, परिवार साथ छोड़ने लगा है, व्यापार चलेगा, उन्नति आप करेंगे, 2026 के 8वें महीने तक आपका कर्जा चुक जाएगा। आशीन बोलो मगर तो ठोक सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, नरसी बाबा की जय, केंद्र सरकार की जय, सीताराम भगवान की जय, श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। नहीं बाकी आप बागेश्वर धाम सरकार की सच्चाई से आपके रोंगटे खड़े कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको पता नहीं है बागेश्वर धाम सरकार का? जी हाँ, अभी बागेश्वर धाम सरकार की आपने महिमा के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा बागेश्वर धाम सरकार ने 15 अगस्त को, जी हाँ, जिस स्कूल में पढ़े थे, जिस स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, जिन मास्टरों से पढ़े थे, उन्होंने उनको बागेश्वर धाम सरकार को तिरंगा फहराने के लिए अपने स्कूल में बुलाया था। जी हाँ, जिस स्कूल में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी पढ़े, उसी स्कूल में ही अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी पहुँचे तिरंगा फहराने के लिए। ये वीडियो आपने देख रखी थी। फिर उसके बाद भी बिदरवाल लगाया था बागेश्वर धाम पर 121 कन्याओं की शादी होती है। इस बार बागेश्वर धाम सरकार के शादी का बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा है, बड़ा अपडेट निकल गई है। पूरी वीडियो आप देखें तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा पूरी वीडियो अधूरी छोड़ के जाएंगे तो देखना आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाएगी और आपका कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। आपको सभी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, तो आपकी सभी इच्छाएँ पूरी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देख करें, लाइक करें। चलिए मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार की पहले महिमा के बारे में जान लेते हैं। बागेश्वर धाम सरकार पर जो भी अर्थी बांधता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। बागेश्वर धाम सरकार एक सिद्धपीठ आश्रम है। जी हाँ, इनसे पहले सन्यासी बाबा का आशीर्वाद था, वहाँ पर वो सन्यासी बाबा कृपा करते थे और सन्यासी बाबा पर्चा बनाते थे। अब उनके बाद दादा गुरुजी के बाद, जी हाँ, दादा गुरुजी आए। दादा गुरुजी के बाद श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का चमत्कार आप देख सकते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने अनेक प्रकार के संकल्प लिए हैं, जो दादा गुरुजी ने भी न लिए, जो सन्यासी बाबा ने भी न सोचा। जी हाँ, श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के ने संकल्प लिया है कि हम वृद्ध माताओं का आश्रम भी बनाएंगे और अनाथ कन्याओं, बेसहारा कन्याओं की शादी करते हैं। अनुरोध चार्य सॉरी बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी। और देखें, एक बात बता चले, वृक्ष भी लगाते हैं, पेड़ भी पौधे लगाते हैं, परचाई बनाते हैं, गरीबों की सहायता भी करते हैं। अन्नपूर्णा का भंडारा भी प्रतिदिन निःस्कूल चलता है वहाँ पर, और दिव्य दरबार भी निःस्कूल है, पर्ची के पैसे नहीं जाते हैं। और एक विशेष सूचना बताते चले, वहाँ पर दवाई भी फ्री है, रहना फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री है। आप लोग जाएँ तो बागेश्वर धाम में, कोई भी गरीब गुरुआ है तो वहाँ पैसे नहीं दें, रहना फ्री है, खाना फ्री है। आपकी अगर तबीयत खराब हो जाती है किसी प्रकार से, अर्जी भी लग जाती है, बागेश्वर बालाजी नहीं सुन पा रहे थे, वहाँ पर दवाई फ्री मिलती है, आप दवाई ले सकते हैं। मित्रों, एक और विशेष सूचना बताते चले, बागेश्वर धाम सरकार का एक कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इस शिवरात्रि को कन्या विवाह तो हो गई। जी हाँ, 256 कन्याओं का, 251 कन्याओं का विवाह होगा। इस बार मोटरसाइकिल नहीं देंगे, बाकी टोटली सेट देंगे, सोफा सेट, चीज वस्त्र, गैस सिलेंडर, कुठिया, अलवारी, सिंगारदानी और सिलेंडर, प्रेस करने की मशीन, कपड़े सिलने की मशीन और वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, ये सब कुछ सामान बागेश्वर धाम सरकार अपनी बहनों को देंगे। इस बात में आपको वीडियो को आप लाइक कर देना चाहिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख देना चाहिए, जय श्री राम लिख देना चाहिए। बता चले, बागेश्वर धाम सरकार में इस बार भी कन्याओं की शादी हो रही है और आप देख सकते हैं कन्या कितनी आ रही हैं बागेश्वर धाम सरकार की शादी का। जो भी आप फार्म भरवाना चाहते हैं, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आपके आसपास क्षेत्र में कोई भी गरीब गुरबा लड़की है जिसके माँ बाप नहीं हैं, या माँ बाप कुछ मजदूरी करते हैं, या जो भी यह शादी नहीं हो पा रही है, तो आप बागेश्वर धाम सरकार के कार्यालय पर जाएं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनका फ़ोटो ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं और पैन कार्ड की फोटो को भी ले जाएं, दो फोटो लगेंगे और उनके परिवार के रजिस्टर नकल चाहिए कि कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब चीज़ बागेश्वर धाम सरकार के कार्यालय में दे दें। उसके बाद आपको फ़ोन कर दिया जाएगा, शिवरात्रि से 2 दिन पहले आपको वहाँ जाना है और आपको शादी का लिए मंडप बता दिया जाएगा। जी हाँ,
पूरा नियम जानना है तो इसके बाद में वीडियो और लामा या एक मैंने पिछले साल भी डाली थी शिवरात्रि पे, वीडियो वो देख लें। और अगर आपको और वीडियो देखनी है या किसी प्रकार की अपडेट चाहिए तो आप बागी श्रद्धाम सरकार माय फर्स्ट व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर सभी अपडेट डालते रहते हैं। मित्रों, बागी श्रद्धाम सरकार एक पर्चे दिव्य दरबार से नहीं जाना जाता बल्कि अनेक प्रकार के कार्यों से जाना जाता है। जैसे कि अब कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है निर्माण, और कन्या विवाह का वो चल रहा है, अन्नपूर्णा का भंडारा चल रहा है, पर्चा फ्री चल रहा है, और सबसे बड़ी बात तो बता चले यहाँ पर अर्जी भी फ्री लगती है, अर्जी भी फ्री बनती है। मगर मध्य प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश में है, ये काफ़ी दूर पड़ जाता है और गुजरात के मतलब रेलवे स्टेशन से ही 10-15 किलोमीटर है। मित्रों, आपको बता चले बागेश्वर धाम में एक और सुविधा है यहाँ पर कि ये जो पहाड़ी इलाका है ना बहुत अच्छा है। अब तो सड़क डल गई है परिक्रमा के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय बागेश्वर। नहीं बाकी तो आप बागेश्वर धाम सरकार की सच्चाई से आपके रोंगटे खड़े कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको पता नहीं है बागेश्वर धाम सरकार का? जी हाँ, अभी बागेश्वर धाम सरकार की अपने महिमा के बारे में सुना होगा आपने, सुना होगा बागेश्वर धाम सरकार ने 15 अगस्त को, जी हाँ, जिस स्कूल में पढ़े थे, जिस स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, जिन मास्टरों से पढ़े थे, उन्होंने उनको बागेश्वर धाम सरकार को तिरंगा फहराने के लिए अपने स्कूल में बुलाया था। जी हाँ, जिस स्कूल में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी पढ़े उसी स्कूल में ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी पहुँचे तिरंगा फहराने के लिए। ये वीडियो आपने देख रखी थी। फिर उसके बाद दिव्य दरबार लगाया था बागेश्वर धाम पर। 121 कन्याओं की शादी होती है। इस बार बागेश्वर धाम सरकार के शादी का बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा है, बड़ा अपडेट निकल गई है। पूरी वीडियो आप देखें तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा पूरी वीडियो अधूरी छोड़ के जाएंगे तो देखना आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाएगी और आपका कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। आपको सभी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, तो आपकी सभी इच्छाएँ पूरी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देख करें, लाइक करें। चलिए मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार की पहले महिमा के बारे में जान लेते हैं। बागेश्वर धाम सरकार पर जो भी अर्ची बांधता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। बागेश्वर धाम सरकार एक सिद्धपीठ आश्रम है। जी हाँ, इनसे पहले सन्यासी बाबा का आशीर्वाद था, वहाँ पर बहुत सन्यासी बाबा कृपा करते थे और सन्यासी बाबा पर्चा बनाते थे। अब उनके बाद दादा गुरुजी के बाद, जी हाँ, दादा गुरुजी आए। दादा गुरुजी के बाद श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का चमत्कार आप देख सकते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने अनेक प्रकार के संकल्प लिए हैं जो दादा गुरुजी ने भी न लिए, जो सन्यासी बाबा ने भी न सोचा। जी हाँ, श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के ने संकल्प लिया है कि हम वृद्ध माताओं का आश्रम भी बनाएंगे और अनाथ कन्याओं को, बेसहाय कन्याओं की शादी करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी। और देखें, एक बात बताते चले, वृक्ष भी लगाते हैं, पेड़ भी पौधे लगाते हैं, परचाई बनाते हैं, गरीबों की सहायता भी करते हैं, अन्नपूर्णा का भंडारा भी प्रतिदिन निस्कूल चलता है वहाँ पर, और दिव्य दरबार भी निस्कूल है, पर्ची के पैसे नहीं जाते हैं। और एक विशेष सूचना बताते चले, वहाँ पर दवाई भी फ्री है, रहना फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री है। आप लोग जाएँ तो बागेश्वर धाम में, कोई भी गरीब गुरुआ है तो वहाँ पैसे नहीं दें, रहना फ्री है, खाना फ्री है। आपकी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है किसी प्रकार से, अर्जी भी लग जाती है, बागेश्वर बालाजी नहीं सुन पा रहे थे, वहाँ पर दवाई फ्री मिलती है, आप दवाई ले सकते हैं। मित्रों, एक और विशेष सूचना बताते चले, बागेश्वर धाम सरकार का एक कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इस शिवरात्रि को कन्या विवाह तो हो गई। जी हाँ, 256 कन्याओं का, 251 कन्याओं का विवाह होगा। इस बार मोटरसाइकिल नहीं देंगे, बाकी टोटली सेट देंगे, सोफा सेट, चीज वस्त्र, गैस सिलेंडर, कुठिया, अलवारी, सिंगारदानी और सिलेंडर, प्रेस करने की मशीन, कपड़े सिलने की मशीन और वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, ये सब कुछ सामान बागेश्वर धाम सरकार अपनी बहनों को देंगे। इस बात में आपको वीडियो को आप लाइक कर देना चाहिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख देना चाहिए, जय श्री राम लिख देना चाहिए। बता चले, बागेश्वर धाम सरकार में इस बार भी कन्याओं की शादी हो रही है और आप देख सकते हैं कन्या कितनी आ रही हैं बागेश्वर धाम सरकार की शादी का। जो भी आप फार्म भरवाना चाहते हैं, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आपके आस पास क्षेत्र में कोई भी गरीब गुरबा लड़की है जिसके माँ बाप नहीं हैं या माँ बाप कुछ मजदूरी करते हैं या जो भी यह शादी नहीं हो पा रही है, तो आप बागेश्वर धाम सरकार के कार्यालय पर जाएं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनका फ़ोटो ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं और पैन कार्ड की फोटो को भी ले जाएं, दो फोटो लगेंगे, और उनके परिवार के रजिस्टर्ड नकल चाहिए कि कहाँ के रहने वाले हैं
ये सब चीज़ बागेश्वर धाम सरकार कार्यालय में दे दें, उसके बाद आपको फ़ोन कर दिया जाएगा। शिवरात्रि से 2 दिन पहले आपको वहाँ जाना है और आपको शादी का लिए मंडप बता दिया जाएगा। जी हाँ, पूरा नियम जानना है तो इसके बाद में वीडियो और लामा या एक मैंने पिछले साल भी डाली थी शिवरात्रि पे, वीडियो वो देख लें। और अगर आपको और वीडियो देखनी है या किसी प्रकार की अपडेट चाहिए तो आप बागेश्वर धाम सरकार माई फर्स्ट व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर सभी अपडेट डालते रहते हैं। मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार एक पर्चे दिव्य दरबार से नहीं जाना जाता बल्कि अनेक प्रकार के कार्यों से जाना जाता है। जैसे कि अब कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है निर्माण, और कन्या विवाह का वो चल रहा है, अन्नपूर्णा का भंडारा चल रहा है, पर्चा फ्री चल रहा है, और सबसे बड़ी बात तो बता चले यहाँ पर अर्जी भी फ्री लगती है, अर्जी भी फ्री बनती है। मगर मध्य प्रदेश MP मध्य प्रदेश में है, ये काफ़ी दूर पड़ जाता है और गुजरात के मतलब रेलवे स्टेशन से ही 10-15 किलोमीटर है। मित्रों, आपको पता चले बागेश्वर धाम में एक और सुविधा है यहाँ पर, कि ये जो पहाड़ी इलाका है ना, बहुत अच्छा है। अब तो सड़क डल गई है परिक्रमा के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे।